अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। सो अभी हम लोग उठे हैं और ये देखें, आप मेरे पीछे व्यू देख रहे हैं कैसा है, और बड़ा खूबसूरत व्यू है। और अभी हम लोग लुतिया गली में हैं। अभी हम लोग यहाँ से देखते हैं किधर निकलते हैं, जो प्लान है वो आपसे डिस्कस करूँगा। तो वो भी बस नाश्ते की तरफ चलते हैं। तैयार मैं ऐसे ही हुआ क्योंकि मेरे पास इस्त्री नहीं थी, तो जो लगा जिस तरह बस पहन लिया। बाकी इंशाल्लाह आगे मिलते हैं आपसे। हेलो सर, बाकी ये देख लें आप, नीचे करके है एक वो रिसोर्ट, पता नहीं किसका, इतना जंगल के अंदर तो वैसे इधर भी डर लगता है। इस वक्त मैं और मेरे बाकी से तमाम साथी इधर क्या कर रहे हैं, मजे 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 धूप में खेल रहे हैं, धूप में मजे होते हैं। इसको तो आप जानती होंगे, पीछे ये मोइज है, नजर नहीं आ रहा स्क्रीन में, भाई स्क्रीन भी दिख रही मुझे, दिख रही है यार। ये सबसे अच्छा बच्चा है, यकीन करो। हम लोग सुबह सो रहे थे, हमें कहा था आपने 9 बजे उठना है, इसने बहुत सीरियसली ले लिया इस बात को। ये सुबह 6 बजे उठ गया भाई, सेम यार, 6 बजे मैं भी उठाऊं। और आतिफ भी कैसे हैं? बस बैल ढूंढ दो यार, आतिफ भाई हीरो लग रहे हैं हमारे। तो अभी हम लोग सब नाश्ते का वेट कर रहे हैं, जैसे नाश्ता आता है उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। आई थिंक सो पटियाला, फिर देखते हैं। तो अभी इस वक्त मैं धूप सेक रहा था, तो अभी मुझे अस्सलाम वालेकुम, तुम यहाँ पे कैसी है? आपके साथ कल से व्लॉग में नहीं मिला, कल से मैं थोड़ा सा गला वाला बंद हुआ है मेरा, आप लोगों को आवाज़ से भी लग रहा होगा मेरी आवाज़ थोड़ी लड़कों लड़कों की होती है यार। सर्दी बहुत और धूप बहुत मजे की लग रही है, इस वजह से मुझे धूप में इतना कोई अच्छा नहीं लगता, एलर्जी होती है। लेकिन यहाँ ठंड बहुत है तो इसलिए हम धूप एंजॉय कर रहे हैं, हम नहीं, काफी लोग यहाँ पे कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। सो अभी हम लोग ने जाना कहाँ यहाँ से? हम लोग का आगे प्लान आई थिंक पटियाला का, पटियाला में जो भी होगा हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नाश्ता कर ले, तो नाश्ता नहीं आया। चले मिलते हैं आपसे। यहाँ पे चने भी हैं, लेकिन चने मुझे नहीं लगता लाहौर वाले होंगे, मैं तो खाली ऑमलेट लूंगा और पराठा। पटियाला का हमारा कैंसिल हो गया, अभी हम जा रहे हैं पाइपलाइन, उधर ट्रैकिंग है वो करोगे तो वो यूपिया जाता है, अगर हो सके तो चले जाएंगे, नहीं तो उस बाद मरी देखते हैं कैसा रहता है। एक्चुअली यहाँ पे भी एक सीन हो गया था, वो ये हुआ था कि बंदर जो था ना वो इधर आओ क्या हुआ, इधर आओ कर दिया। हाँ क्या हुआ तुम्हारे साथ? अभी बंदर ने मेरे पास लॉलीपॉप था ना, इसी वजह से उसने लॉलीपॉप की वजह से मेरे ऊपर हमला किया, मैंने फेंक दिया बस में, फेंक दिया डर के बाद। क्या हुआ उसके बाद? अहमद ने और बंदर ने क्या यार, यहाँ पे जो लोग आते हैं यार, मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने उसको मारा है, लेकिन वो यही था कि उसके भी गलती नहीं थी, वो उसके चीजों से अट्रैक्ट हुआ था, तो मैं सॉरी तो हूँ। मैं कि बंदर लॉलीपॉप भी खाते हैं यार, आपके पास खाने वाली चीज जो उनसे भी होगी वो होगा। सो अब ये है कि एहतियात करेंगे, अब यहाँ पे पड़ी हुई थोड़ी सी स्नो, तो ये थोड़ा सा कहना स्नो के साथ थोड़ा सा इंजॉय करेंगे। मैंने हमारे साथ थोड़ा सा प्रैंक किया, बहुत मजा आया मुझे तो। और अभी हम लोग जा रहे हैं, यार मुझे बंदर को मार के ना थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा है, गलती पता नहीं दोनों की ही थी, उसको होता रहता उसमें चीज थी खाने की यार, मुझे बस थोड़ा सा यार नुकसान ना पहुंचा, इसलिए मैंने मारा उसको, कुछ नहीं हुआ, माफ कर मुझे। चलो सो अभी हम लोग निकलते हैं मरी, क्योंकि वो हाइकिंग वहाँ पे बहुत, इसलिए वहाँ का आइडिया इतना कोई मैच नहीं कर रहा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ माल रोड पे, यहाँ पे लगा रहे हैं चिकन के पीस है, तो टेस्ट किया अच्छा, तो अब खाते हैं। मैं जब छोटा था ना, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ मरी आता था, तो मैं अक्सर नहीं कहता था कि मैंने ना माल रोड पे जाके कॉफ़ी भी नहीं है, तो रश बहुत होता था छोटे थे, ऊपर से ठंड बहुत होती थी, तो रात को लाते नहीं थे, आज भी कॉफ़ी पी रहा हूँ तो मज़ा आ रहा है, लेकिन ये नहीं कि मेरे माँ बाप ने कभी मुझे पिलाई नहीं,
पिलाते थे, लेकिन अब मुझे समझ आया वो क्यों नहीं लेके आते थे, वो अब समझ आया मुझे। छोटे से बच्चे वगैरह घूमना थे, सो टुडे मजा आ रहा है यार। मरी में ना वैसे आपस की बात बताऊं, आना सर्दियों में ही चाहिए, गर्मियों में वो चस्त नहीं रहती। कॉफी मजे की है वैसे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे बाजार, लोग, आवाम, ये नहीं पता। मैंने मुझे याद है कि मैंने बहुत अरसे पहले यहाँ पे ना रेड ऑनियन है इसका पिज्जा खाया था। इनका पिज्जा बहुत अच्छा था, इनका खाना भी, हाँ लास्ट जब मैं आया था तब मैंने इनका खाना भी खाया था, आज दो साल पहले, वो भी अच्छा था। लेकिन ना यहाँ पे बहुत कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं जिनका खाना अच्छा होता है, तो जिनमें से एक है। सो अभी मैं इस तरह आया हूँ शीन शिनवाड़ी पे, पता नहीं क्या ना, हाँ शीन शिनवाड़ी पे। तो अभी हम यहाँ से खाएंगे कढ़ाई, अब जाहिर सी बात है शीन पे आए हैं तो मटन कढ़ाई खाएंगे, साथ चिकन के जो टिक्के होते हैं वो। बस थोड़ी देर में खाना लग जाएगा और उसके बाद हम लोग अपने रिसॉर्ट पे चले जाएंगे। फिर रात को आज है थोड़ा सा शुगर वगैरह लगाएंगे और इंशाल्लाह परसों वापसी है घर की। तो उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, नहीं सही बन रहे होंगे तो फिर माजरत चाहते हैं, गला थोड़ा सा ख़राब हो गया मेरा, वरना इंशाल्लाह अच्छे बना लेता तो ब्लॉग। गला मेरा काफ़ी आगे टिक्के और ये हमारी लगी है थाली, और अब हम कहेंगे खाना।